नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम बहरागोड़ा में मौजूद हैं और विधायक समीर मोहंती जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर वो चुनाव मैदान में हैं। समीर मोहंती जी, जब आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हम तो आपको सबसे पहले भी हम बताने हैं क्या प्रयास किए हैं कि वर्तमान जो परिस्थिति है, हम सबसे पहले मेरे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतना बेहतर ढंग से अपने 3.5 साल 4 साल के कार्यकाल को काम में लगाया है कि आज तैयारी का हमको कोई जरूरत नहीं है। जनता खुद पे खुद तैयारी कर रहा कि आने वाला दिन कैसे फिर से झारखंड का सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इंडिया गठबंधन का बने और इस राज्य का मुख्यमंत्री दोबारा हेमंत सोरेन बने। देखिए, आपके विरोधी जो हैं वो कह रहे हैं कि विकास जैसा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर कई ऐसे काम थे जो पूरे नहीं हुए आपके कार्यकाल में। देखिए, एयरपोर्ट का काम अगर हम बोलेंगे कि काले हम कर देंगे तो ये सबसे बड़ा जनता को बेवकूफ बनाने का काम होगा, क्योंकि इसका पहले भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना चुका है। आज 10 साल पहले एयरपोर्ट का नाम में जाके दलवंगड़ में उसका शिलान्यास हो गया, उसका भूमि पूजन हो गया है और अभी तक एयरपोर्ट का काम क्यों नहीं शुरू हुआ? किनको बेवकूफ बनाने का काम किया और क्यों बेवकूफ बनाने का काम किया है? हम भी शिलान्यास करते हैं, कोई योजना का पकड़ा से बनता है, स्वीकृति होता है, टेंडर होता है, उसके बाद शिलान्यास होता है, लेकिन 10 साल बना के लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया और लोगों का वोट को चुराने का काम किया छल कपट करके। और जहाँ तक एयरपोर्ट का बात है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, राज्य सरकार उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो है, जो काम हम चुनाव का पहले बोले हैं वो किए हैं, जो नहीं बोले उसको भी हम किए हैं। दादा, अगर मुख्य उपलब्धियां अगर आप जनता को बताइएगा तो क्या बताइएगा? हम यही बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांति लाने का काम किए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 3.5 साल के कार्यकाल में है। 3.5 साल इसलिए बोले कि 1.5 साल कोरोना में गया है। 3.5 साल के कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री का सहयोग में 4 कॉलेज यहाँ बनाने का काम किए हैं। चाकुलिया में ग्रेजुएट कॉलेज, चाकुलिया में पॉलिटेक्निकल कॉलेज, बहरागोड़ा में महिला कॉलेज और गुड़ाबंदा में ITI कॉलेज हम बनाने का काम किए हैं। हम इसी अवधि में 6 स्कूल को +2 बनाने का काम किए हैं, जिसमें है आपका केंद्र डांगरी हाई स्कूल, माटियाबांधी हाई स्कूल, केड़कोचा हाई स्कूल, उसके साथ साथ आपका केशवरदा हाई स्कूल, उसके साथ साथ है मानुसमुड़िया हाई स्कूल और उसके साथ साथ है पारुलिया हाई स्कूल, वो +2 हम लोग बनाने का काम किए हैं। जितने भवनहीन स्कूल था सारे स्कूल को भवन हम लोग देने का काम किए हैं। 500 करोड़ का जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से हर घर शहर के तर्ज पर वहाँ पर पानी पहुँचेगा। 670 करोड़ का एग्रीकल्चर का, किसान लोग के लिए पाइपलाइन का काम हो रहा है। चाकुलिया में 0 काट सोलर प्लांट 50 करोड़ में हमने उसको सैंक्शन करा दिए हैं और दिल्ली और मुंबई के तर्ज पर 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं जाएगा, इसका गारंटी देके उसका प्लांट का काम शुरू हो गया है। उसके साथ साथ आपका चाकुलिया में एक बड़ा पार्क 22 करोड़ का बन रहा, बहरागुड़ा में एक पार्क 10 करोड़ का बन रहा, मानुसमुड़िया में एक पार्क आपका 10 करोड़ का बन रहा, यहाँ जितना धार्मिक स्थल है, एक कानेश्वर पहाड़ है वहाँ 10 करोड़ का सीढ़ी बन रहा, एक गोटा शिला बोल के धार्मिक स्थल वहाँ सुंदरीकरण में 14 करोड़ खर्चा हो रहा, एक आपका घोड़ी डुमरी है जहाँ पर 3 करोड़ का सुंदरीकरण हो रहा, एक आपका पिकनिक स्पॉट है उसको डेवलप कर रहे हैं हम लोग, करीब 3.5 करोड़ में उसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं, एक ज्योति पहाड़ी है वहाँ 1 करोड़ रुपया हम लोग सैंक्शन कराए हैं, इधर एक तुलसी बुनी है वहाँ 1 करोड़ रुपया हम लोग सैंक्शन कराए हैं, रोड रास्ता एक को हम लोग बचने नहीं दिए हैं, सारे रोड रास्ता को हम लोग कर दिए हैं। और एक सबसे बड़ा धर्म का काम, हमको लगता है कि दुर्गा पूजा काली पूजा से ऊपर उठकर हम एक वृद्धाश्रम मानुसमुड़िया में उसका भी उद्घाटन कर दें, उसका बिल्डिंग अभी तक बना नहीं है, एक पुराना स्कूल में हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं और उसमें बेबस लाचार कमजोर जो भिक्षा मांग के खाता है, परिवार प्रतिपालन करता है, ऐसे लोगों को वहाँ पर रख के उसको माँ के रूप में, उसको पिता के रूप में उसका धर्म कर्म करना, सेवा करने का काम के लिए भी उसको हम उधर। दादा, विकास के काम हुए हैं, बीजेपी ने इस बार आपको घेरने के लिए रणनीति बनाई है, एक तरफ चंपई सोरेन जी खड़े हैं जो आपके सीनियर हुआ करते थे कभी।
देखिए चंपक शरण मेरा राजनीतिक गुरु है, उसके बारे में बहुत ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं। अगर चंपक शरण द्रोणाचार्य बन के अगर एक लोगों का अंगुली काटने का प्रयास करेगा तो कर सकता, उसमें हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जहाँ तक चुनावी माहौल और परिस्थिति का बात करें, वर्तमान झारखंड के लोग, झारखंडी बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति विश्वास और आस्था रखा है, माननीय हेमंत सोरेन के कामकाज के प्रति आस्था रखा है, और सिर्फ लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही चाहता है, ये मेरा पूर्ण विश्वास। क्या मैसेज देंगे जनता को? जनता को यही मैसेज देंगे, अगर और बेहतर झारखंड को करना चाहते हैं, अगर भारतवर्ष के पटल में नंबर वन में इस राज्य को लाना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, तो फिर से दोबारा हेमंत सोरेन को समर्थन दें। ये खाली हमारे लिए नहीं है, आज इतना योजना चला रहे हैं, सर्वजन पेंशन योजना चालू किया, सबसे पहले तो था, आपको मालूम है कि बीजेपी के सरकार में एक बीपीएल का घेराबंदी था, बीपीएल माने गरीबी रेखा का नीचे, गांव में उसको गरीब कार्ड बोलता है, वो आज के दिन में जहां पर 100 घर है वहां पर सिर्फ 20 आदमी के पास ही बीपीएल कार्ड है। इसके मतलब बीपीएल कार्ड धारी के अंदर ही पेंशन, आवास, बच्चा को साइकिल, बच्चा को स्टाइपेंड मिलता था। हमारी सरकार, हमारे हेमंत में इतना हुनर है, इतना होशियार है, इतना हिम्मत है, वो सबसे पहले बीपीएल का बाउंड्री को हटा दिया और बोला कि झारखंड में सब गरीब है, फिर इस गरीब में हम अलग से फिर 20 को क्यों रखेंगे, सब गरीब है सबको सुविधा देंगे, वो सर्वजन पेंशन योजना चालू किया। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ के हम लोग गली कस्बा में गए और उसको पेंशन देने का काम किया। उसके बाद एक सर्वे हुआ कि आदिवासी हरिजन और महिला का औसत उम्र जो है घट रहा है, सरकार देखा कि 60 साल में पेंशन देंगे, 62 साल में मर जाएगा तो हम क्या किए, वो फिर उसको अवधि को घटा के 50 साल में हरिजन आदिवासी महिला को पेंशन देने का काम किया। आज हमारा सरकार बोल रहा है कि महिला सिर्फ वंश वृद्धि करने का मशीन नहीं है, महिला सिर्फ सास ससुर परिवार का सेवा करने का मशीन नहीं है, महिला कहाँ कासू को पूछना है। और मैं यह सम्मान योजना से 1-1 हजार रुपया करके सबको देना शुरू किया, जो दिसंबर का 1 तारीख को 2,500 हो जाएगा। और हमारे सरकार और एक घोषणा किया है कि इस बार अगर फिर से हेमंत सोरेन का सरकार बना तो 1-1 परिवार को सरकार हर साल 1 लाख रुपया देने का काम करेगा। बिजली का बिल को माफ कर दिया है, किसान का लोन को माफ कर दिया है, सावित्रीबाई फुले योजना में घर का बेटी को 8 क्लास से 12th तक 20,000, फिर 12th के बाद 20,000, 40,000 पढ़ाई के लिए दे रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गरीब बच्चा को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने का काम कर रहा, गरीब और हुनर बेटा को फ्री में विदेश भेजने का काम करा। इतना काम 18 साल में बीजेपी क्यों नहीं कर पाया, हम उससे सवाल करते हैं। 81 साल का बूढ़ा को पेंशन नहीं दे पाया, उसका आंसू को पूछ नहीं पाया, उसका आशीर्वाद को ले नहीं पाया, इसके लिए जवाब कौन देगा? इसलिए जनता एक ही तरफ सारे लोग का ध्यान है कि हेमंत सोरेन को कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो समीर मोहंती जी का कहना है कि जनता हेमंत सोरेन के किए काम को देख रही है और एक बार फिर चुनने का काम करेगी। कैमरामैन गौरव के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, बहरागोड़ा। मैं SK मंडल, अध्यक्ष SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।